हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह है। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर औसत को डिस्कस करेंगे। तो औसत और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर www.vlpdevelopindia.com पर जा सकते हैं। तो औसत का अध्ययन करने के लिए हमको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। औसत बराबर सभी मानकों का योग बटे मानकों की संख्या, ये याद होना चाहिए। ये फार्मूला औसत के सभी क्वेश्चंस को हल करने में लगेगा। औसत बराबर सभी मानकों का योग बटे मानकों की संख्या। अब इसी फार्मूले का हम दूसरा रूप देख सकते हैं। जैसे अगर हमको सभी मानकों का योग निकालना है तो सभी मानकों का योग बराबर हो जाएगा औसत मल्टीप्लाइड बाई मानकों की संख्या, मीन सभी मानकों का योग बराबर औसत गुणे मानकों की संख्या। इसी प्रकार अगर हमको मानकों की संख्या निकालना है तो मानकों की संख्या यहाँ आ जाएगा सभी मानकों का योग बटे औसत हो जाएगा, यानी मानकों की संख्या बराबर सभी मानकों का योग बटे औसत हो जाएगा। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है तो आप दूसरे फार्मूले को बना सकते हैं। अब हम इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन निम्न प्रकार है, पहला मान लो 2200, 2600, 1700, 2300। कर्मचारियों का औसत वेतन याद कीजिए। कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास किसी कंपनी के चार कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है, हमको इन कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे औसत बराबर सभी मानकों का योग बटे मानकों की संख्या। अब यहाँ सभी मानकों का योग कितना हो जाएगा, 2200 प्लस 2600 प्लस